एक ब्रेकिंग न्यूज और बता दें, बैटलफील्ड में यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त हौसला देखने को मिला है। रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंकों में भीषण आग लग गई है। तो ये एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक तरफ यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बुलंद है कि वो बार बार ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं रूसी सेना पर, तो दूसरी तरफ रूसी सेना का भी मोटिवेशन हमने दिखाया कि किस तरह पुतिन पहुंच गए बैटल ग्राउंड पर। आप क्या कहेंगे यहाँ पर सर कि ये जो आर पार की लड़ाई चल रही है, पहले यूक्रेन पलटवार करता है तो रूस पलटवार करता है, रूस वार करता है तो यूक्रेन पलटवार करता है, जैसा कि तिवारी सर कह रहे थे, तो आपको यहाँ पर इस जंग के हालात क्या दिख रहे हैं, असलियत क्या है? देखिए, ये लड़ाई कुछ ज़्यादा लंबी चल गई है और उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं रिवर्सेज हो रहे हैं दोनों आर्मीज के बीच में। और खेरसोन की जो बात है ना, उसको मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। रशिया के तकरीबन 1.5 लाख सोल्जर्स यूक्रेन में हैं और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा फ्रंटेज है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, और ये बहुत ही कम ट्रुप्स हैं इस फ्रंटेज को डिफेंड करने के लिए। इसीलिए डिफेंस में गैप्स आ गए थे और उसकी वजह से यूक्रेन ने एडवांटेज लिया था इन गैप्स का, और उसकी वजह से टैक्टिकल विड्रॉल खेरसन से रशियन आर्मी को करना पड़ा। तो आपको डॉनबास में भी यही सिचुएशन लगती है? डॉनबास में सिचुएशन नहीं है, बिकॉज डॉनबास का जो फ्रंटेज है जो उनको डिफेंड करना, वो बहुत कम है और उनके पास सफिशियंट स्ट्रेंथ है आज की डेट में इसको डिफेंड करने के लिए। ठीक है।